दमन पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में तीन लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार जहां दमन पुलिस ने रंजीत महेंद्र शाह नामक गांजा तस्कर को दाभेल के चंचल तालाब के पास से गुप्ता पान सेंटर से 4 किलो 958 ग्राम गांजे के साथ पकड़कर अपनी जाबाजी एवं बहादुरी का परिचय दिया है, वहीं दूसरी तरफ दमन की एक कंपनी को प्रॉफिट दिलाने का झांसा देकर अमित रमेश अग्रवाल नामक शख्स एवं उनके साथ एक और आरोपी ने मिलकर कंपनी से 93 लाख रुपए को लेकर फरार हो गया था, जिसकी कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद दमन पुलिस ने आरोपियों को कानपुर उत्तर प्रदेश से जाकर धर दबोचने में कामयाब हुई है। दमन की विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए कामया न्यूज़ नेटवर्क।